हमने कुछ इस तरह से इसको होल कर लिया है। और पापा कैसा काम हुआ है आज का हमारा ये? एक नंबर एक नंबर, तुम्हारा तो जैसा काम करने वाला और कोई नहीं है। सो आप लोग देख सकते हो ये सुपर स्प्लेंडर 2017 मॉडल की है, जो कि हमने कल ही खरीद करके लाई, और इसकी जो मडगार्ड है वो टूटी हुई है। जी हाँ गाइस, सारे बाइक्स के जो कि मडगार्ड्स रहते हैं सिर्फ दो दो नट्स पे कसे रहते हैं, और इसका जो नट का फिटिंग्स है वही टूट चुका है। मैं आपको इन डिटेल दिखा देता हूँ। देखिए गाइस कैसे यहाँ जो होल रहता है वो होल वाला हिस्सा दोनों साइड की टूट चुकी है। चलिए आपको दिखा देते हैं हम अच्छी तरह से। ये देख सकते हो आप, पूरी टूटी हुई है ये, तो इसको हम आज रिपेयर करेंगे इस वीडियो में गाइज। और आप देख सकते हो ये मडगार्ड बस ये एक नट के भरोसे इस पर टिकी है, जिसके कारण बहुत नॉइज आता है इसको चलाते वक्त। तो चलिए इसको रिपेयर करते हैं, इसको उतारते हैं गाइज। सो हमने जो है इसके मडगार्ड को खोल लिया है, और चलिए इसको पहले हम निकालते हैं बाइक में से, कहीं अटक चुकी है क्या। और इसका प्रेजेंट कंडीशन आपको दिखाते हैं गाइस। आप लोग देख सकते हो कैसी टूटी फूटी है ये, कुछ इस तरह से एक नट बीच में कस के इन्होंने इसको फिट करके रखा था गाइस। को दोनों साइड के कंडीशन दिखा रहा हूँ मैं, तो चलिए इसको नीचे रख के अच्छी तरह से दिखा देते हैं आपको। यहाँ पर जो भी फिटिंग्स वगैरह रहते हैं सारे टूट चुके हैं इसके, तो ये पूरी रिप्लेस ही होने वाली थी गाइस, और इसका कॉस्ट अराउंड 400 to 500 आता है। चलिए इसको रिपेयर करने की कोशिश करते हैं। सो ये जो एक नट के भरोसे जुड़ी हुई है इससे, इसको हम खोलते हैं, खोल के इसको वॉश करते हैं सबसे पहले। सो हमने जो है इस मडगार्ड को पूरी अच्छे तरह से वॉश कर लिया है। आप लोग देख सकते हो बिल्कुल क्लीन हो चुकी है ये, और दोनों जो नट फिटिंग वाले जगह है होल्स है वो टूटे हुए, इधर की तो कुछ है ही नहीं, और इधर आप लोग देख सकते हो क्या ही हाल है भाई, माँ कसम पूरी टूटी फूटी। और जो साथ में आती है ये क्लैंप जो मडगार्ड को फिट करने में काम आती है आगे शॉक एब्जॉर्बर में फ्रंट मडगार्ड की, इसमें हमने दो होल कर लिए। हमारे पास ड्रिल मशीन घर पे ही थी, आपके पास भी अगर हो तो आप कर सकते हो, एक होल यहाँ पे और एक होल यहाँ पे, सेम इसी तरह से यहाँ पे दो होल कर लेने। बीच वाली होल पहले से थी, आप लोग देख सकते हो, कोई भी आसपास के शॉप में जाके आप ये होल करवा सकते हो। होल करवाने के बाद से आपको क्या है ना गाइज, इसके अंदर इसको लगा करके कुछ इस तरह से लगा लेना है, और चेक करने के बाद आपको जस्ट ये होल से मार्क कर लेना है गाइस। यहाँ से मार्क करना है, यहाँ से मार्क करना है, फिर यहाँ से मार्क करना है, यहाँ से मार्क कर लेना है। मार्क करने के बाद जो यहाँ पे दो पॉइंट्स आ जाएंगे, वहाँ पे आपको अपने मम्मी के किचन जाके कोई भी एक स्क्रू ड्राइवर को हीट करके होल्स कर लेनी है गाइस। तो चलिए करते हैं, और उसके बाद आपको दिखाते हैं पूरा प्रोसेस। बस कुछ इसी तरह एक टेस्टर लेनी है आपको, यहाँ पे मार्क कर लेना है इस तरह से, या फिर कोई से भी पेंसिल लेनी है मार्क कर लेनी है कुछ इस तरह से। सो यहाँ पे हम आ चुके हैं अपने मम्मी के किचन में, और ऐसा कुछ एक ले लिया है जिसको हम गरम करके इक्विपमेंट को गरम करेंगे सबसे पहले यहाँ रख के। आप लोग देख सकते हो कुछ इस तरह इसको रख दिया है हमने यहाँ पे, और ये पूरी हीट हो जाने के बाद इसको हम यहाँ पे लगाएंगे, इसको हीट कर लेते फिर मिलते हैं। सो हमारी ये जो है पूरी हीट हो चुकी है, अब हम इसको जस्ट यहाँ पे जिस होल में हमको मडगार्ड में होल चाहिए वहाँ लगा के ऐसे अंदर कुछ डाल के पार कर देंगे। देखिए गाइस हमने कुछ इस तरह से इसको होल कर लिया है, अब हमें इसका पूरा निशान भी मिल चुका है, तो कुछ सारे इसी तरह के होल कर लेते पहले। सो हमने जो है इसमें पूरी तरह से अच्छी तरह से होल कर दिया, आप लोग देख सकते हो यहाँ पे, और अभी जो है हम इसमें ये क्लेम में फिट कर देंगे पूरी अच्छी तरह से। लोग देख सकते हो ये नट हमने उतार लिया है, सबसे पहले इसको हम इसकी असली जगह को फिट कर लेते हैं, मिलाकर होल्स मिला लेते पहले सही बैठी है कि नहीं, और उसके बाद से इसको पहले हम कस लेंगे कुछ इस तरह से। सो आप लोग देख सकते हो ये होल में थोड़ी सी मिसप्लेस थी ये, और इसको हमने अभी बिल्कुल सही कर लिया है, और अब ये जो है हम बाकी नट भी फिट कर लेंगे
ये एक उतार लिया है इसके नट को और इसको यहाँ लगा रहे हैं हम, देख सकते हो आप बिल्कुल जगह में जाएगी। अब ये जो होल है वो थोड़ी सी छोटी है, ये अंदर चली गई वॉशर के साथ और इसको हम टाइट कर लेंगे। आप कुछ इस तरह से देख सकते हो ये अंदर आ चुकी है। तो चलिए करते हैं इस मडगार्ड को फिट। और आप लोगों ने देख लिया है कि कैसे हमने इसको बना लिया, बस इसी क्लेम में हमने इसमें चार होल कर दिया और मडगार्ड में भी होल कर दिया और होल करके इसको फिट कर दिया इस तरह से और इसको सुंदर से काट लिया आपने जैसे कि वीडियो में देखा हमारा, इसको पूरी अच्छा शेप दे लिया। चलिए इसको अब हम फिट करते हैं। So, ये देख सकते हो आप लोग मडगार्ड पूरी फिट हो चुकी है जिसको हमने बस क्लेम से ही दो नट के सहारे कस दिया। आप लोग देख सकते हो एकदम बिंदास है ये, इसको जितना भी मार लो कोई भी साउंड नहीं, आज से कोई भी प्रॉब्लम नहीं। और पापा कैसा काम हुआ है आज का हमारा ये? एक नंबर तुम्हारे जैसे काम करने वाला और कोई नहीं है। तो पापा के अल्फाज आप लोग सुन सकते हो। और ये रही हमारी स्प्लेंडर। सो यहाँ पर जो है हमारी बाइक की मडगार्ड फिट हो चुकी है और आपने पूरा प्रोसेस देखा कि हमने कैसे इस मडगार्ड को रिपेयर किया। आई होप आप लोगों को हमारा आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आया तो जरूर से एक लाइक कर देना, हो सके तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना और कमेंट करके जरूर से बताना हमें कि कैसा लगा आपको आज का हमारा ये वीडियो।